गिनती की और हिंदी की क्लास में अपन क्या लर्न कर रहे हैं, तीन अक्षरों वाले शब्द। तो आज अपन तीन अक्षरों वाले शब्द देखेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने मिला मिलाकर पढ़ना और लिखना सीखा था। अक्षर को, तीन अक्षरों को पहले प्लस प्लस में मिलाया था और फिर उसको पूरा एक साथ लिखा था। आज अपन उसको पूरा एक साथ लिखना और पढ़ना सीखेंगे। म, ट और र क्या हो गया? मटर। ब, र और फ, बर्फ। स, र, क, सड़क। न, म, क, नमक। क, ल, श, कलश। म, ग, र, मगर। क, म, ल, कमल। फ, स, ल, फसल। न, ह, र, नहर। तो अपन ने आज क्या सीखा है? तीन अक्षरों से बने शब्द। एक, दो, तीन, कितने अक्षर हैं ये? तीन। और इससे पूरा क्या बन गया? एक शब्द बन गया, है ना? तीन अक्षरों से क्या बन गया? एक पूरा शब्द। तो अपन ने कितने शब्द सीखे आज? यार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ शब्द। अपन इसकी अब रीडिंग करेंगे। मटर, मटर। बर्फ, बर्फ। सड़क, सड़क। नमक, नमक। कलश, कलश। मगर, मगर। कमल, कमल। फसल, फसल। नहर, नहर। ओके, आपको इनको कैसे पढ़ना है? बिल्कुल धीरे से, मुंह खोल के नहीं पढ़ना, आपका मुंह बंद होना चाहिए। म, माँ नहीं बोलना। म, ट, र, मटर। म, ट और रा नहीं बोलना, र बोलना। मटर, मटर। बर्फ, बर्फ। वैसे अपन क्या बोलते हैं? फा, बा या रा। अपन को क्या बोलना है? बर्फ, बर्फ। सड़क, सड़क। नमक, नमक। कलश, कलश। मगर, मगर। कमल, कमल। फसल, फसल। और नहर, नहर। ऐसे ही आपको मिला मिलाकर रीडिंग करना सीखना है। बुक से पढ़िए या न्यूज़पेपर यानी अखबार में जो भी आपको शब्द दिखे उसको मिला मिला के पढ़िए, या फिर आपको कहीं भी कुछ भी लिखा दिखे या कोई भी चीज़ पे लिखा हुआ दिखे हिंदी में या इंग्लिश में, किसी में भी उनको मिला मिलाकर पढ़ने की कोशिश करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।